नमस्कार साथियों, 2024 को कैसा चाहते हो? जैसा हर साल निकलता है वैसा चाहते हो, या ये साल ऐसा हो जैसा आज तक कोई साल ना गया हो? यदि 2024 को अब तक का सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी साल बनाना है तो आज का ये उज्जवल पाटनी शो बहुत ध्यान से देखना। ये दो ग्लास देख रहे हो, ये दोनों कहने को बिल्कुल एक जैसे नजर आ रहे होंगे, लेकिन इनके बीच कितना बड़ा फर्क है और जिंदगी का कितना बड़ा लेसन छुपा हुआ है, यह अगले कुछ मिनटों में आपके सामने आएगा। यदि मैं इस ग्लास में महज कुछ बूंदे डाल दूं तो देखते क्या होता है। कहने को एक ग्लास पानी था, लेकिन महज कुछ सेकंड में उसका असली रंग गायब हो गया, वो लाल हो गया, वो पीने लायक नहीं रहा। कितना डिस्प्रोपोर्शनेट इंपैक्ट था एक ग्लास पानी में महज एक दो बूंद, और उसने वो इंपैक्ट क्रिएट कर दिया कि पानी पीने लायक नहीं रहा। ठीक ऐसी जिंदगी, सोच कर देखिए, जिंदगी के हर हिस्से में कोई एक या दो काम आप ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से वो हिस्सा पूरा सफर कर जाता। यदि आपकी जिंदगी में एक बैड कंपेनियन आ गया, उसकी वजह से आपकी जिंदगी में गॉसिप, टाइम पास, गलत आदतें, सब कुछ आ जाता है। कहने को आपके हजारों परिचय में वो महज एक परिचय, लेकिन वो एक परिचय आपकी जिंदगी को ऐसा बना देता है। सोचिए आपकी पर्सनैलिटी, आपके मुंह से ना नहीं निकल पाता, आप एक वीक पर्सनैलिटी है, सबमिसिव पर्सनैलिटी है। कोई भी आता है आपको रौंद के चले जाता है, कोई भी आपके टाइम का मिसयूज करता है, कोई भी आपसे आपकी इच्छा के विपरीत काम कराता है, आपको एक्सप्लॉइट करता है, और आप एक छोटी सी चीज ना नहीं बोल पाते ना, और उसकी वजह से आपकी जिंदगी ऐसी हो जाती है, असंतोष से भरी, फेलियर से भरी। आज आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी से इन बूंदों को निकाल फेंकिए और कुछ नई बूंदों को शामिल करिए। और वो बूंदे कहने को छोटी सी होती है ना, प्रभाव बहुत बड़ा होता है। इस पानी को ऑर्डिनरी पानी मत समझिए। मैंने 4 बूंदे गुलाब जल इसमें डाली थी, वो गुलाब जल इसमें मिल गया, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसने इस पानी को सुगंधित बना दिया। अब ये सूंघने से लेके कपड़ों पर डालने से लेके पूजा तक के काम आ सकता है। सारी है, कुछ ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में लेके आइए जो आपके भीतर इस गुलाब जल की तरह समा जाए, आपकी जिंदगी महकने लगे। सोचिए आप एक खराब मीडियोकर इकोसिस्टम में चले गए, जहां के लोग बड़ा नहीं सोचते, जहां पे बड़ी बातें नहीं होती, जहां पर केवल नेगेटिविटी है, पेसिमिज्म है, आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। और यदि आप एक ऐसे इकोसिस्टम में चले गए जहां लोग बड़ा सोचते हैं, भविष्य का सोचते हैं, अच्छा सीखते हैं, अच्छे में बिलीव करते हैं और अपनी ताकत को पहचानते हैं, आपकी जिंदगी ऐसी हो जाएगी। मैंने इसका एग्जांपल लगातार देखा है वीआईपी में। लोग 20, 30, 40 साल से एक तरीके की जिंदगी जीते रहते हैं, महज 2 दिन के लिए वीआईपी में आते हैं, हिल जाते हैं। उनको लगता है यार मैं कर क्या रहा था 30, 40 साल से, और उस वक्त वो अपने पीछे 30, 40 साल की ऐसी सारी बूंदों को निकाल के फेंकते हैं और वहां पर नई शपथ लेके अपनी जिंदगी को ऐसा बनाते हैं। 2024 को बड़ा बनाना है, आज आपसे कहता हूं, ढूंढिए अपनी जिंदगी में कहां पर इस तरीके की बूंदें हैं। क्या कोई हेल्थ की बैड प्रैक्टिस है जो आपकी हेल्थ को खत्म कर रही है? क्या कोई रिलेशनशिप की बैड प्रैक्टिस है? क्या कोई ग्रोथ की बैड प्रैक्टिस है? क्या कोई लर्निंग की बैड प्रैक्टिस है? क्या कोई खराब दोस्त है? क्या कोई खराब इकोसिस्टम है जो आपकी जिंदगी को खत्म कर रहा है? 2024 में 3 ऐसी बूंदें छाटिए जो आपकी जिंदगी को खत्म कर रही हो, और उनको बदलने का निर्णय लीजिए। और गलती से यदि आपने अभी टाल दिया तो याद रखना, वही 4थी बूंद सबसे खतरनाक बूंद है, जिसको कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। हर अच्छी चीज को बर्बाद करने का, हर टैलेंटेड आदमी को बर्बाद करने का एकमात्र रास्ता प्रोक्रेस्टिनेशन। कल करूंगा, परसों करूंगा, तो आज ये उज्जवल पाटनी शो देख के ये मत बोलना कल करूंगा, परसों करूंगा। साल आपके सामने खड़ा है, आपसे सवाल कर रहा है, ऐसे ही जी के मर जाओगे या इस साल कुछ बड़ा करोगे? छाटिए वो 3 बूंदे जिनको करने में भले आपको आनंद आता है, लेकिन असलियत में वो आपकी जिंदगी को खत्म कर रही है। और इन चीजों को छोटी मत समझना मेरे भाई, दुनिया को बर्बाद करने के लिए, करोड़ों अरबों की पॉपुलेशन को बर्बाद करने के लिए एक हिटलर काफी था, और आबाद करने के लिए एक बुद्धा काफी है। आपकी इतनी बड़ी जिंदगी को बर्बाद करने के लिए एक गलत आदत, एक नेगेटिव बूंद काफी है। यह पानी अब पीने लायक नहीं रहा, और यह पानी लगातार सुगंध देता रहेगा। फिर से कह रहा हूं, 2024 को यदि बड़ा बनाना है, अपनी जिंदगी में जाइए, 3 नेगेटिव बूंदों को उखाड़ फेंकिए और इस तरीके की 3 पॉजिटिव बूंदों को लेकर आइए। प्रभु से प्रार्थना है आपका ये साल अब तक का सबसे शक्तिशाली साल हो। और एक बात और, जिनसे आप प्यार करते हैं उनको जरूर ये वीडियो शेयर करना,
हो सकता है आपकी वजह से वो अपनी जिंदगी में से कुछ ऐसा हटा दें और कुछ ऐसा ले आए। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ ग्रेट, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, मिरेकुलस 2024। जीतो जीतो बिजनेस, जीतो 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 लाइफ को जीतो, जीतो 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 जीतो, मेहनत से जीतो, जीतो हिम्मत से जीतो, जीतो नियत से जीतो, जीतो नेमत से जीतो, लड़के जीतो, जीतो अड़के जीतो, जीतो गढ़ के जीतो, जीतो आगे बढ़ के जीतो, जीतो जीतो बिजनेस, जीतो 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 जीतो, जीतो, जीतो।